जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? वो जीडब्ल्यू था, पहले मुझे गोली मारो फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेहरबानी करके दीजिए। कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। फाइक बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो उसने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, तीनों बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोगों को और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है। हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और
जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदसर गुल है। दोनों नौकर ने किया दरवाज़ा को, मिल्टन ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिल्टेंस दरवाज़ा खोल के अंदाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस ढंग जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। मुदसर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली को अप्रोच किया, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बोर्डी घर वाले को नहीं दिए। कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले तीन फ्लोर का तीन कमरा दिया था मुदसर गुल को, मुदसर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था, 6 केबिन है, उसे बहुत सारे सामान मिला है, और उसमें मिल्टेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। इसके अलावा मुदसर बिजनेस के रूप में करता था लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था, ये साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडआउट था, मिल्टेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दें, और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पर दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तला नहीं था कि किसको रेंट दिया, किसको रहता है। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequin.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.